बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू तमन्नास किचन। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए बड़ी आसान सी रेसिपी। फ्रेंड्स, आप लोग इसे नाश्ते में बनाएं और कभी भी बना सकते हैं, जल्दी सी बन के तैयार हो जाती है। बस फ्रेंड्स, इसके लिए हम लेंगे एक गोभी, जो कि हमने बारीक बारीक काट के रखा है, छोटे छोटे पीसेस में उसको वॉश करके रखा है। और हमने ले लिया है मेथी, हरी मेथी को भी हमने धोकर काट के रखा है। और ले लिया हमने साबुत खड़ी मिर्चें, जो हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है, 8-10 मिर्चें हैं ये। और लहसुन के जवे थोड़े से हमने चॉप करके रखे हैं। और ले लिया है ज़ीरा। प्रेशर कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल अच्छे से गर्म हो जाए। हमने ले लिया है सरसों के तेल, आप जो भी यूज़ करते हैं वो डालें। लहसुन के जवों को हमने डाल दिया उसमें। जब लहसुन लाल हो जाए इसमें डाल दें जीरा और खड़ी मिर्चों। ये थोड़ा सा चला लें, ये थोड़ा चटकने लगे तो इसमें डाल दें मेथी, हरी मेथी। मेथी को भी थोड़ा हल्के से भून लें, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स। इसको मेथी को ज़रूर डालें इसमें। आप हरी मेथी नहीं तो कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे गोभी को। गोभी डाल के हम फ्रेंड्स अच्छे से चला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नमक। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। फ्रेंड्स, ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आप लोग मेरे चैनल वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, आ जाते हैं गोभी की तरफ। गोभी में थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। बस अब हम इसे लीड से कवर कर देंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसी गोभी का मॉइस्चर छूटेगा, उसी में गोभी गल जाएगी। अब हम इसे लीड से कवर कर देंगे, दो सीटी ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान रेसिपी है और इसे पराठे के साथ या रोटी के साथ सर्व करिए। बस हमने लीड को खोल लिया है, अब इसमें हल्का सा मॉइस्चर आपको दिखेगा, वो हमने ड्राई कर लेना है बस। अब हम इसमें डाल देंगे मेथी और हरा धनिया से गार्निश कर लेंगे। बस तैयार है हमारी गोभी की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये पराठे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये, आप लोग ज़रूर पराठे की रोटी के साथ सर्व करें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जो कि इजी भी होगी और आसान भी होगी आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।